ये चालू हो गया। देखिए बाहर कितना तेज उजाला है और यहाँ बरामदे में देखिए तो अंधेरा ही है, अंधेरा। और बारिश इधर से दिखाइए, हाँ यह हम दिखा दिए, बारिश शुरू हो गई है। अब बारिश देखो सब बंदरिया भाग के अंदर आएंगे और इसी के अंदर आवाएंगे, देखो एक लाइन से कुछ वहाँ छज्जे में बैठ जाएंगे, है ना। ये देखो जो छज्जा अच्छा निकला है कुछ उसमें बैठेंगे, कुछ यहाँ आ रहे हैं, कुछ ऊपर निकल जाएंगे, कुछ गोदाम के अंदर चले जाएंगे। हवा के साथ बारिश है, अरे वहाँ के लोग क्या करें, जहाँ पर कि बाढ़ आता है, लोग शहर आए हैं कस्बे में, नदी बढ़ गई, अब जाएं तो कैसे जाएं। और इधर अंदर हवा के साथ है ना, तो ठीक है, लोग चालू कर दिए। क्या बोले, ये देखिए बारिश हो रही है, बानर भोज के लिए हम लोग आए हैं। अब यहाँ पर हम लोग फंस गए हैं इस समय, क्योंकि बारिश हो रही है। ये सामने बाबा जी बैठे हुए हैं, थके हुए हैं आज लग रहे हैं बहुत, सुबह से काम काम करते करते, बताइए 85 साल की उम्र है, अभी इनको घर पर होना चाहिए। इस समय ये फंसे हुए हैं यहाँ पर बारिश की वजह से, घर पर होते तो कॉफ़ी पीते, चाय पीते और कुछ सब्जी वगैरह खाते, लेकिन अब यहाँ पर फंसे हुए हैं। हमारे साथ में हम भी आए थे बानर भोज कराने, आज का भोज भी बहुत पानी थोड़ा कम पड़े जी, किसी तरह सब्जी लें जी जी, थोड़ा बहुत ज़्यादा उधे नहीं दे पाएंगे। हाँ हाँ, बरसात बरसाती कल का कोई भरोसा नहीं, आप जैसे साथ शाम को आएंगे, मौसम पानी आ गया, पानी आ गया। कल सुबह है कि जलमऊ कल हम लोग जाएंगे कल सुबह, हाँ जितेश मिश्रा की ओर से, अच्छा तो पुलिस विभाग में है। तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बात है कि कौन चलो चना गेहूँ लेके जितेश जी जाते हैं, अच्छा गाड़ी हमारी ओर से हो जाती है, हम गाड़ी उनको देते हैं, गाड़ी खर्चा 400-500 आते हैं, हम उठाते हैं। भाई जो लोग हमसे जुड़े हैं थोड़ी सी मदद में भी बरकत हो जाती है, और क्या, नियत साफ हो तो बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत। अगर नियत साफ नहीं है तो भैया फिर हाय पैसा है, यह बड़ा ताजुब लगता है, ये मनुष्य कहाँ, इनको सोचना चाहिए कि मौत की ट्रेन लगातार आ रही है जी। और आप यहाँ छक्का पंजा बेईमानी कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, हड़प रहे हैं, मौत की ट्रेन लगातार आपकी आ रही है, आ रही है, उसके बाद जाने कोई साथ नहीं जाएगा, आज के कर्म ही आपके साथ जाएंगे, बस बस। इसके बावजूद हमेशा याद रखो ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता, अच्छा करता है, जानते जो ईश्वर का था। बताओ तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास के कलेजे के ऊपर धन मारा, धन हथौड़ी नहीं, हथौड़ा नहीं, तुलसीदास की पत्नी ने धन मारा जी जी। धन का अंजाम क्या हुआ कि पत्नी के धन मारने से तुलसीदास अमर हो गए, तो क्या उसके अंदर बनाएंगे क्या अपने, दोनों बनाएंगे उसमें भी उसमें भी। हमारे बन जाए इसके अपने में ले लो, तो ये जो यह कांड हुआ है ये हमारे हक में जी जी। लगा कि जैसे हमारे मुख में कोई चंदन फोड़ दिया। हाँ हाँ, कोई भी नेता ये नहीं साबित कर सकता है कि किसी पार्टी के लिए उसने निस्वार्थ जी जी 10-12 साल तक काम किया होगा, निस्वार्थ जी जी 10-12 साल जीत गए हों,
और कोई स्वार्थ न हो, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो हनुमान जी ने बड़ा अच्छा किया, सुन के थोड़ा सा लगा कि आज अरे ऐसे ऐसा भी होता है हिंदुस्तान में भी, तो विपक्ष वालों को नहीं पूरी बात मालूम ना, धीरे धीरे बात फैलेगी तो विपक्ष वालों को भी बोलने का मुद्दा मिलेगा। बिल्कुल जानकारी बाबा जी, आज आप वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं और उसके अलावा जितने भी लोग आपका वीडियो देखते हैं, उनको आप सनातन धर्म की जो जो सच्चाई है, जो उसका मूल है, जिस वजह से सनातन धर्म को सबसे ऊपर माना जाता है और देश विश्व गुरु अपना हो सकता है अगर हम सच्ची पूजा और सच्चे धर्म के साथ आगे बढ़ें, बल्कि आडंबर को छोड़ दें, जो सनातन में आडंबर आ चुका है, उन आडंबरों से हम कैसे छुटकारा पाएं, और जो आडंबरी बाबा इस दुनिया में घूम रहे हैं, जो चोला भगवा ओढ़े हैं, लेकिन उनका आडंबर भक्तों के लिए बहुत ही बुरा साबित हो रहा है, जिस वजह से वो चारों तरफ से उनको कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है और अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं। तो वो सच्ची बात आप लोगों को बताइए कि सनातन धर्म की सच्चाई क्या है, कैसे आप इससे जुड़ करके अपने आप को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। देखिए, जब दुनिया में जितने भी धर्म हैं जी, सारे धर्मों को एक जगह मिक्स करके और मंथन किया जाए, जितने विद्वान हैं उनको भी बुला लिया जाए जी बाबा, जितने धर्म धार्मिक पुस्तकें हैं उनको भी मंगवा लिया जाए जी, और उनसे सिर्फ ये पूछा जाए कि साहब एक बात ये बताइए कि जो आप अपने लिए चाहते हो औरों से जी जी, पशु से, पक्षी से, माता से, पिता से, या से, दोस्त से, सरकार से, जो कुछ पत्नी से, परिवार से, आप जो कुछ भी चाहते हो जी अपने लिए, क्या वही चीज आपको प्राप्त होने तक क्या आप उसको लौटाते हो? नहीं लौटाते जी। आप नहीं लौटाते हैं तो आपको क्या कहा जाए, आप ही बताइए आप क्या कहा जाए? एहसान फरामोश। उस समय की भाषा की बात अलग है, एहसान फरामोश किसी को कह देना जी तो ऐसे ऐसे घरिया देना, तो हायर टर्म तो है नहीं, नहीं, नहीं। तो मैंने यही अनुभव किया है। आज बाबा जी आप बहुत थके हुए लगे, बहुत नींद भी आ, आज दिन में सोए नहीं है आप। देखिए 85 साल की उम्र है, मैं चाहता हूँ कि इस समय जी जी अधिक न बोल करके, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, पानी को विराम दिया जाए, पानी को विराम दिया जाए, और यही थोड़ा सा हम सो देंगे। आपने सोने की बात कही है, हम थोड़ा सो गए, कपड़े उपड़े हमको इनकी चिंता थोड़े जी जी, कपड़े रोज हमारे धुल जाते हैं। अच्छा, बेटा रास्ता हम धो देते, धो देता है, अरे वाह बहुत अच्छी बात, यही है वही बात है। लेबर से लोगों ने कहा गांव से, कई बड़े भागशाली हो कि दुनिया के बोलती बंद करने वाले बाबा से तुम लेबर हो, लेबर। अरे जौन कहें उनके
मालिश कर जाओ, कपड़ा धो जाओ। जब कई लोगों ने कहा तो उसके बाद बीमार नहीं आ गई। सही बात। बादल से तो नहीं लग रहा था लेकिन पानी के रफ्तार में बताइए मोबाइल में। ये देखिए बहुत तेज है, बहुत तेज है। आज जो है जी जी सब्जी भी बड़ी सस्ते मिलेगी। हाँ देने वाले भी भाग भागम भाग लगाएंगे। जी जी ठीक बाबा जी, वाणी को समाप्त करते करते एक बार जो है बस केवल पशुओं और पशु पक्षियों की जो जान डेली ली जा रही है, जो मांसाहार बढ़ रहा है हमारे समाज में, उसके बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए बस। फिर उसके बारे में ये बोलना है जी कि मांस खाना अभी छोड़ो। जी जी वरना एकदम से बच नहीं पाओ। सही बात। मैं दावे का जो हालात चल रहे हैं दुनिया में जी जी बड़े घातक है। घातक तो ऐसी दवाई कहीं ना हो जाए। जी जी इसलिए मांस खाना लोग छोड़ दीजिए। सही बात। ठीक इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। बाबा जी काफी थके हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम काज, जय श्री राम काज, जय श्याम साधु जी महाराज। जय।